Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 11, that is Marathas, the protectors of the nation. So यहाँ पे हम देखने वाले इसका डाइजेस्ट आंसर. पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको वीडियो 480 या 360, कम से कम 360 रेजोल्यूशन पे देखना है तो वीडियो आपको क्लियर दिखेगा. ओके ये क्वेश्चन है यहाँ पे. They came from Afghanistan. They settled at the foothill of the Himalayas. The brother of Peshwa Nana Sahib. तो देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सबका. इसका आंसर है पठान, दूसरे का रोहिलास, तीसरे का है यहाँ पे रोहिला रघुनाथ राव, फोर्थ का है सूरजमल जाट, और ये फिफ्थ जो है इसका है पेशवा माधवराव. ये देखो यहाँ पे पेशवा माधवराव. दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पे वापस से है. ही वॉज द सक्सेसर ऑफ बाजीराव वन. तो कौन? बालाजी बाजीराव नाना साहेब. दूसरा क्वेश्चन है ही वॉज द चीफ ऑफ मराठा आर्टिलरी. कौन थे? इब्राहिम खान गर्दी. ही वॉज द किंग ऑफ अफगानिस्तान. तो कौन है? अहमद शाह अब्दाली. ठीक है, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का किंग है. फोर्थ है यहाँ पे ही वॉज द कज़न ऑफ पेशवा नाना साहेब. तो सदाशिवराव भाऊ. ही वॉज द सरदार ऑफ द रोहिलास. कौन है? नाजिब खान. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे वापस ये है. ही वॉज द एल्डर सन ऑफ पेशवा नाना साहेब विश्वास राव. ही वॉज द सक्सेसर ऑफ बालाजी बाजीराव माधव राव. द सुल्तान ऑफ मैसूर हैदर अली. ही वॉज द सक्सेसर ऑफ माधव राव. कौन है? नारायण राव. अब यहाँ पे आपको ये लिखना है, देखो लिखा हुआ है किसका आंसर क्या होगा. यहाँ पे दिया हुआ है अब इसे यहाँ पे देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है. यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, पहले कौन सा आएगा? द बैटल ऑफ बुराड़ी घाट, ये आएगा. फिर द बैटल ऑफ पानीपत, ये वाला आएगा सेकंड नंबर पे. थर्ड नंबर पे क्या आएगा? बैटल ऑफ राक्षस भवन, ये आएगा थर्ड नंबर पे. फोर्थ पे द डेथ ऑफ पेशवा माधव राव. फिफ्थ पे द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान. तो ये होगा, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, देख सकते हो. चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे देखो क्वेश्चंस, आपको फोर ऑप्शंस दिए गए हैं सब में. हु एंटर्ड इन टू अ ट्रीटी विद द मराठास इन अप्रैल 1752. राइट ऑप्शन इज मुगल एम्परर. हुज ड्यूटी वॉज इट टू रीस्टोर काबुल कांधार एंड पेशावर टू द मुगल एम्पायर. सो राइट ऑप्शन इज द मराठास. थर्ड का चिमाजी अप्पा, बेटे थे वो सदाशिवराव भाऊ के. फोर्थ का आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है और फिफ्थ का यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, फोर्थ का क्या है यहाँ पे? पेशवा माधवराव, ये वाला. और फिफ्थ का क्या है? बैटल ऑफ मोती तालाब, ये आंसर यहाँ पे देख सकते हो. आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, देखो अब उसके आंसर्स यहाँ पे हैं. रेज मराठा स्टैंडर्ड आउट अटॉक रघुनाथ राव मल्हार राहुलकर. वही क्वेश्चंस जो थे ऊपर, उसके आंसर यहाँ पे देखो दिया गया है. सेंट बाय पेशवा टू क्रश नाजिब खान, दत्ताजी शिंदे एंड जनकोजी शिंदे. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस आपके दिए गए वन सेंटेंस में आंसर लिखने का. व्हाई डिड द मुगल्स फाइंड इट नेसेसरी टू सीक द हेल्प ऑफ द मराठास. आंसर दिया गया है, देख सकते हो. सर
सारे आंसर्स क्लियर हैं, बस आपको 483/60 पे देखना है तो क्लियर दिखेगा। कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए आप वो भी बताइए, मिल जाएगा आपका। ठीक है, आपने मैथ्स और ग्रामर और जीके बोला था वो भी अपलोड है अलग से प्लेलिस्ट, उसका भी बना है देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट के अलग प्लेलिस्ट हैं, आप चेक कर सकते हो, आपको सारे मिल जाएंगे। दत्ता जी शिंदे के बहादुरी के बारे में बताना है तो आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पे है। व्हाट डू यू थिंक, गिव रीजन। द मराठास वर डिफिटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में हार गए मराठास, क्यों, रीज़न क्या है उसका। क्योंकि जो जाट और राजपूत थे उन्होंने मराठा की हेल्प नहीं की इस पानीपत की लड़ाई में। आफ्टर द फॉल ऑफ विश्वासराव एन एंग्री सदाशिवराव भाऊ अटैक द एनमी इन फ्रेंजी एंड डिसअपीयर्ड इन द बैटल फ्रे। और वो कहीं जब जैसे ही विश्वासराव की मतलब जैसे ही वो गिरे डेथ हुई उनकी, वैसे ही सदाशिवराव भाऊ कैसे गुस्से में एकदम से भीड़ में घुस गए और गायब ही हो गए, वहाँ पे दिखे नहीं, तो लोगों को लगा कि वो मारे गए। इसके लिए वहाँ पे कैसी सेना मराठा की एकदम, वहाँ के सोल्जर कैसे अपना करेज हार गए, डिस्करेज हो गए और उसके बाद यहाँ पे सब पैनिक टेंशन में आ गए, भागने लगे इधर उधर। इसी में क्या हुआ कि अच्छा मौका मिल गया अब्दाली की आर्मी को और उसने क्या किया मराठा की आर्मी के पे अटैक कर दिया फ्रेश विगर के साथ, एकदम पूरे एकदम बहादुर के साथ में, इसलिए यहाँ पे हार हो गई। मराठा और अफगान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, झगड़ा था, उसके बारे में बताना है, रीज़न क्या है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है। आप बार बार वर्कबुक की डिमांड कर रहे हो, वर्कबुक का भी मैं बना दूंगी जल्दी। मैंने आंसर आपको पूरा एक साथ में भी दिखाया है और जूम इन करके भी, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपके लिए सूटेबल हो आप वैसे लिख लीजिए। ठीक है, जूम इन पे पॉज करके रोक लीजिए या फिर रोक के लिख लीजिए स्टॉप करके, या फिर इस तरीके से पॉज कर करके लिखते जाइए। आंसर थोड़ा सा लेंदी है बट आप देख सकते हो एकदम क्लियर है आंसर, अच्छे से सारा दिख रहा है, एक एक वर्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से, एकदम क्लियर है। नीचे ओरल टेस्ट के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको आता है तो आप लिख लीजिए, नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए।
पेज नंबर बताना और चैप्टर बताना कौन सा चैप्टर है, ठीक है। सो मुझे हेल्प मिलेगी समझने में और मैं देख के क्या क्या क्वेश्चन है उसका आंसर आपको शॉर्ट्स वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, ज़रूरत होगी नीड होगी आपको तो, ठीक है। और वैसे आपने लेसन अच्छे से पढ़ लिया तो इन्हीं सारे क्वेश्चन आंसर में से उनके भी आंसर्स मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं बता दूँगी, ठीक है।